अगर तुमने ये वाली फाइट नहीं देखी तो भाई तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर तीन टीम को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। पहली टीम इस घर में है जिसका एक बंदा नॉक है, और भाई अब यहाँ पर क्या होगा, रस। जैसे ही हमने इस वाली टीम को फिनिश किया, अब सामने वाली टीम जो स्कूल में बैठी है वो वाली टीम से हम लोगों की बहुत देर तक फाइट होने वाली है, जो कि ये रही। अब तुम देखना यहाँ पर क्या होता है। मैं कह रहा था कि मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर मैं नॉक दे दूंगा, लेकिन उसके पास थी डीपी, और सामने वाले बंदे के पास अगर डीपी हो तो भाई फाइट मत लेना। अब मैं ये सोच रहा था कि मेरे को नॉक करके ये बंदे रस करेंगे, लेकिन नहीं किया। मैं दोबारा से हेलमेट लेके आया, पीछे बंदों को मारा था, दोबारा से ट्राई कर रहा था कि भाई इसको मैं नॉक निकालूं और रस कर दूं, लेकिन फिर से मैं हो जाता हूं नॉक। यहां पर फिर से भाई डीपी के सामने तुम पीक नहीं करोगे। अभी भी उन बंदों ने रस नहीं किया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं भाई, मैं नॉक हूं भाई, तुम लोग रस ही नहीं कर रहे, मतलब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहां पर क्या होता है, डॉक्टर मेरे से बोलता है कि भाई मैं भी नॉक होके देखता हूँ कि भाई कैसा लगता है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पट से हेडशॉट सिर पे पड़ता है, उसके बाद तुम नॉक हो जाते हो, और वही चीज़ सेम हो जाती है, कार 98 डॉक्टर को पड़ जाती है और डॉक्टर हो जाता है नॉक। जैसे ही डॉक्टर नॉक होता है और वो बंदे कर देते हैं रस। अब मैंने कहा भाई तुमने गलत बंदे को नॉक करके रस किया है, जब मैं नॉक हुआ था तभी तुमको भाई रस करना था, अभी थोड़ा सा गलत हो गया है। अब देखो कैसे इन दोनों को पेला। अब जैसे ही इन बंदों को किल किया, तुरंत आ जाती है एक और टीम। अब मेरी हेल्थ लो थी तो मैं ऊपर गया, और तभी मेरे को साउंड आता है कि बंदा नेड कर रहा है। मैं जंप लगा के इस बंदों को नॉक कर देता हूं। अब इनका एक बंदा अंदर था तो मैंने कहा भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इन दोनों को चढ़ा लेते हैं, दोनों टीम वालों को, क्योंकि ये लोग, एक टीम ने तो भाई गलत तरीके से रस किया और एक टीम ने भाई थर्ड पार्टी करने की कोशिश की, और उसमें हमने इनको किल कर दिया। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल, वेलकम बैक अनदर डुओ रैंक पुश गेम प्ले वीडियो। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं प्लेटिनम 5 पर, और क्या मेरा कॉन्कर हो पाएगा इस सीजन, क्योंकि अभी से हैकर आने लगे हैं। और आज हमको एक हैकर मिला था जिसने भाई बहुत गंदा मारा, मतलब जोन में जाने ही नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी से मेरे को हैकर मिलने लगे तो आगे भाई कितना कठिन होने वाला है डुओ में रैंक पुश करना। फिलहाल गेम प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो टीम उतरी थी, एक टीम इधर सामने की तरफ थी और एक टीम थी पीछे जो कि मेरे को डैमेज देती है बीएसएस से। अब मैंने कहा भाई तुमको हम बाद में निपटेंगे, पहले इनसे निपट लेते हैं। अब इनका एक बंदा पता नहीं किसने नॉक किया, लेकिन मैंने एक बंदे को किल करके इस टीम को तो फिनिश कर दिया था, लेकिन सामने की तरफ से रोड के उस साइड से मेरे पे आ रहे थे शॉट्स, तो मेरे को मिल चुकी थी M4 विद 4X। अभी मैंने कहा कि और क्या चाहिए, मतलब अभी तो भाई लॉबी खाली हो ही सकती है, तो यहाँ पर मैंने बूस्ट किया और कर देते हैं उन बंदों पर रस। अब देखो यहाँ पर बंदे मेरे को स्पॉट हो चुके थे, मैंने कहा डॉक्टर भाई चलो जल्दी से रस कर देते हैं। मैंने कहा उसके पास बीएसएस है, बस उसके बीएसएस के लपेटे में मत आना, अगर तुम बीएसएस के लपेटे में आए तो भाई पता भी नहीं लगेगा तुमको कि कब तुम नॉक होगे, क्योंकि बीएसएस पता नहीं लगता, कसम से सही में पता ही नहीं लगता, साए साए गोलियाँ निकलती हैं कान से, बस तुमको समझ में नहीं आता हो गया रहा है कौन बंदा नॉक कर रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर को थी चुल, तो भाई वो एकदम रोड क्रॉस करके भाग ही जा रहा था, और तभी उसको कर देता है बंदा नॉक। मैंने कहा बोला था कि भाई उसके पास बीएसएस है, तुमको पता नहीं लगेगा, नॉक हो जाओगे। ये बंदा मेरे टीममेट को पिस्टल से भाई फिनिश कर रहा था। अब देखो दूसरा बंदा है इस टावर के पीछे,
जो कि कुछ ज्यादा कर नहीं पाया और उसको मैंने इजी किल किया। अब यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को दिया रिवाइव और उसके बाद सीधा चले जाते हम स्कूल में, क्योंकि स्कूल अपार्टमेंट में थे बंदे। अब मेरे को दिख जाता है बहुत है। मैंने गाड़ी ऐसी लहराई कि उसका एम ही नहीं लगा और मैंने उस बॉट को कर दिया यहाँ पर किल। अब यहाँ पर देखो मेरे को स्पॉट हो जाते हैं बंदे खिड़की पर और मैंने मार्क किया कि भाई इस खिड़की पर मैंने बंदा स्पॉट किया था और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मार्क और मैं जाता हूँ आगे। मैंने कहा भाई कवर चाहिए मेरे को आगे जाना है और मैं जाता हूँ आगे और उस बंदे को दो हेड कनेक्ट होते हैं और वो अंधा हो जाता है। नॉक और फिनिश, मतलब इसका टीममेट भी, और यहाँ पर डॉक्टर हो जाता है नॉक। इसको रिवाइव दिया, उसके बाद मेरे को आ रहे थे शॉर्ट्स, साउंड आ रहा था अपार्टमेंट की तरफ से, तो मैंने कहा भाई चलो भाई निकलते हैं अपार्टमेंट और सीधा हम लोग रश कर देते हैं अपार्टमेंट में। अब देखो अपार्टमेंट में दो टीमें थी और एक टीम को तो हम लोग इजी किल कर देते हैं, लेकिन दूसरी टीम को भाई किल करने के लिए हम लोगों के पसीने छूट गए क्योंकि वो बंदे बहुत ही हार्ड टीपीपी ले रहे थे और भाई निकलने का तो नाम ही नहीं था। अब जैसे ही इस बंदे को किल किया सामने से एक और बंदा आता है और उसके पास है भाई शॉटगन और शॉटगन से मैं बहुत बार मरा हूं, तो भाई मैं उसके सामने नहीं जाने वाला हूं। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, उसके पास शॉटगन है, तुम कुछ भी लेके जाओ, ग्रोजा एमके नहीं चलने वाली अगर उसकी शॉटगन तुमको कनेक्ट हो गई गलती से भी, तो भाई तुम लेट जाओगे, लेटा दिए जाओगे, बिछा दिए जाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने होल्ड किया, मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं नेट वेट ट्राई करते हैं उसके बाद रस करेंगे। देखो सबसे कठिन होता है अपार्टमेंट की फाइट, क्योंकि अपार्टमेंट्स में इतने रूम ही रूम है भाई और तुम अगर घुसते हो तो भाई चांसेस रहते हैं कि तुम किल हो जाओगे। यहाँ पर भाई हम लोग कर देते हैं रस, लेकिन ऊपर नहीं गए। मैंने कहा भाई बंदे अगर नीचे आएंगे तो भाई हो जाएंगे नॉक। और यहाँ पर मैंने लगाया दिमाग, मैं आ गया यहाँ पर क्योंकि स्मोक था उनको दिखा नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा होल्ड कर डॉक्टर, इन दोनों का काम मैं खत्म करने वाला हूँ। जब स्मोक था ये बंदे कवर में थे, तभी मैं आके यहाँ पर बैठ जाता हूँ और इन बंदों को इजी किल कर देता हूँ एक सरप्राइज अटैक के साथ। और ये बंदे कह रहे हो कि भाई कहाँ से पड़ी, ये बंदा यहाँ पर आया कैसे, मतलब यहाँ तो कोई था ही नहीं। तभी राइट की तरफ से साउंड आता है कि कार 98 चल रही है। मैंने कहा ओ भाई एक और टीम है, इसका मतलब तीन टीमें थी यहाँ पर, तो मोलोटोव की। और यहाँ पर डॉक्टर साहब हो जाते हैं नॉक, बंदा कर रहा था नेड, मेरे को वेट था कि भाई कोई थोड़ा सा उसका पिक्सल दिखे और मैं उसको वहां पे इजी किल करूं। और यहाँ पे हमने डॉक्टर को दिया रिवाइव और यहाँ से सीधा निकल लेते हैं लास्ट के जोन में। अब देखो हम जा रहे थे सीधा यासनाई की साइड, क्योंकि यासनाई की तरफ जोन बना था। तभी मेरे को एक गाड़ी स्पॉट हुई, मैंने कहा ये ओपन में गाड़ी कैसी, तभी आने लगता है हम लोगों पर फायर। अब जैसे ही हम लोगों पर फायर आया, क्योंकि मेरे पास थी कार 98, तो मैंने कहा कहीं कुंडे में लगाएंगे, थोड़ा हेडशॉट खेल लिया जाए, क्योंकि कार 98 लेके घूम रहे हो तो भाई क्या फ़ायदा अगर तुमने एक हेडशॉट नहीं मारा। तो हम आ जाते हैं इस स्नैपर टावर में और इस स्नैपर टावर में हम लगा देते हैं अपनी गाड़ी। और मैंने कहा अब तुम पीक करो, अब तुमको बताते हैं, लेकिन वैसे मेरी स्नैपिंग बहुत गंदी है तो मैं क्या ही कर पाऊँगा उससे। सामने बंदे स्पॉट हुए और एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, कसम से सही बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पर तुम। अब यहाँ पर क्या होता है कि उन पे हो जाती है थर्ड पार्टी और किल फील्ड देखना कि M4 से किसी बंदे ने नॉक किया, मियां खलीफा नाम से किसी ने नॉक किया है किसी बंदे को। तो मैंने कहा भाई वहाँ पे थर्ड पार्टी हुआ है, हम लोग कर सकते हैं रस। हमने उठाई अपनी गाड़ी और डॉक्टर पहले ही वहाँ पे उछल उछल के पहुँच चुका था और डॉक्टर राइट वाले घरों में एक बंदा नॉक कर देता है। मैंने सीधा जहाँ पे मैं फाइट ले रहा था वहाँ पे रस किया और बंदा ये सामने रहा और इनको भी हमने किल किया। इसके बाद राइट में एक बंदा डॉक्टर ने नॉक किया था, वहाँ पे देखो वहाँ पे एक बंदा डॉक्टर ने नॉक किया और डॉक्टर ने मेरे को बताया भी नहीं कि वहाँ पे मैंने फिनिश डाला है या फिर ख़त्म कर दिया है। और मेरे को दिख जाती है क्रेट, तो मैं सीधा गया, मैं उधर ही साइड गया और मेरे को क्रेट दिखी, तो मैंने कहा भाई बंदा शायद उसने फिनिश कर दिया है, तो भाई एक ही बंदा था यहाँ पर किल हो चुका है। तभी मैं जैसे ही उतरता हूँ मेरे को आते हैं फुट स्टेप्स, पहले आया एक फुट स्टेप्स
और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक ही बंदा है, लेकिन यहाँ पर बंदे निकलते हैं दो और यहाँ पर मैं मरते मरते बचाऊँ। डॉक्टर ने मेरे को बचा लिया, तो यहाँ पर डॉक्टर मेरे को दे देता है रिवाइव और हम लोग सीधा निकलते हैं लास्ट के जोन में, क्योंकि दो बंदे बचे हैं और उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। हम लोग जा रहे थे सीधा, तभी हम लोगों पर आते हैं मिनी के शॉट्स। तो मैंने कहा भाई रुको, अभी तुमको कार 98 का एक शॉट देते हैं, उसके बाद रस करेंगे, क्योंकि कार 98 हाथ में है तो भाई उसका शो ऑफ तो बनता है। यहाँ पर मिनी से डॉक्टर ने उसको नॉक कर दिया, मैंने डैमेज दे दिया था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा थोड़ी देर, एक हेडशॉट तो मेरे को मारना है कैसे भी करके, और इस बंदे को मैं चिप देने वाला हूँ एक हेडशॉट। जैसे ही हेडशॉट दिया मैंने कहा नॉक हो जाएगा, लेकिन बंदा भाई लेवल 3 पहने था और बच जाता। मैंने किया यहाँ पर रस, मैंने कहा भाई अब तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा भाई। तो भाई यहाँ पर हो जाता है हमारा एक इजी चिकन डिनर। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके बताने कि क्या मैं कर पाऊंगा कॉन्करर अभी डुओ में, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।